अस्सलाम वालेकुम सबाज़ बिस क्लासेस में आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाकर आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो बावर्ची स्टाइल हैदराबादी बिरयानी, वो भी कच्चे गोश्त की। तो चलिए बनाते हैं सिंपल मज़ेदार और झटपट बनने वाली बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए हम 1 किलो गोश्त ले रहे हैं। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी गोश्त लीजिए, लेकिन उसकी जो पीसेस हैं वो चपटी पीसेस लीजिए। और साथ ही हम देखिए यहाँ पर उसके साथ कुछ चिकनाई भी लेंगे, इसे धो लीजिए। और इसमें ऐड कीजिए 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र। देखिए ये जो मीट टेंडराइज़र होता है आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है तो आपने जो है पपीता छिलके के साथ इसमें ऐड करना है 1 से 1.5 टेबल स्पून। ओके, तो इससे क्या होगा कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। आप इसे 1 घंटे तक रख दीजिए। देखिए कच्चे गोश्त की जब हम बिरयानी बनाते हैं तो मेन मसला होता है गोश्त के गलने का, जिसे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें ऐड कीजिए 2-3 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट और 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च यानी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कीजिए। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कीजिए। गरम मसाला मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप उसे देख लें। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 2.5 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कीजिए शाजीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दीजिए साबित, ठीक है। और हम 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप हरा धनिया, ठीक है। और देखिए यहाँ मैंने 4 तली हुई प्याज इसमें डाल दी है। आप चाहें तो हाथों से चूरा करके डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1/2 कप पुदीना इसमें ऐड कर दीजिए और 3 टमाटर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब रही हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को हम क्या करेंगे, चीर कर इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने 15 हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हमने ऐड कर दी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 नींबू का रस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाल दिए। अब हम अपने हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गोश्त पर मल लेंगे ताकि प्याज भी थोड़ी सी चूरा हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से चूरा होकर मिक्स हो जाए। लेकिन हाँ, हरी मिर्चों को अभी ना मिक्स कीजिए वरना आपके हाथ कंप्लेन करेंगे। तो इसीलिए हम पहले सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, उसके बाद हरी मिर्च को इसमें मिलाएंगे और इसे हम कुछ देर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ओके। और इसमें ऐड कीजिए 200 ml तली हुई प्याज का तेल। तो 200 ml तली हुई प्याज का हमने तेल इसमें ऐड किया। अब इसे भी मिक्स कीजिए, ठीक है। अब देखिए गोश्त किस तरह से गल गया है, देखा आपने, गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। यहीं पर टेंडराइज़र की वजह से या पपीते की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 350 ml दही। तो दही हमने इसमें ऐड किया, ये बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, नॉर्मल वाला दही है। दही मिक्स कर लीजिए। देखिए बिरयानी अगर बिरयानी की यखनी अगर आपने हाथों से मिक्स करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान से ना, जब हम यखनी में ज़ाफ़रान डालते हैं ना तो कुछ अलग ही टेस्ट आता है, यकीन कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और शाही टेस्ट। अब थोड़ी सी अखनी आप अलग निकाल के लीजिए, ये सीक्रेट है, आगे देखते रहिए कि इस सीक्रेट का हम क्या करते हैं। तो बस हमने 1/4 कप अखनी अलग से निकाल कर रखी और यहाँ मैंने 4 लीटर पानी उबलने के लिए रखा। 3 से 4 लीटर पानी आप उबालिए, उसमें आप डाल दीजिए नमक टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए जब तक कि नमकीन नहीं लगता। उसके बाद जो अखनी हमने निकाली थी यानी 1/4 कप अखनी हम इसमें डाल देंगे, तो इससे क्या हो गया, चावलों में भी फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हम उबलते हुए पानी में ये चावल डाल देंगे, जो बासमती चावल है, 1 किलो बासमती चावल है, इसे मैंने 1 घंटे से भीगने के लिए रखा था। भीगे हुए उबल चावल हम उबाल लेंगे। हमने बस चावलों को 60-70% ही गलाना है क्योंकि ये कच्ची अखनी है, तो इसीलिए हम इसे सिर्फ 60-70% ही गलाएंगे। तो देखिए हमने चावल निथार लिए और निथार कर हम अखनी पर ये चावल डाल देंगे। देखिए अखनी पर ये चावल डालिए, सारे चावल डाल दीजिए और फिर आप इसे बराबर कीजिए। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे 1.5 कप चावलों का पानी।
वन एंड हाफ कप चावलों का पानी हमने डाला, उस पर आपने ज़ाफ़रानी रंग डालना है और फिर तली हुई प्याज थोड़ी सी डाल देनी है। बस एक मुट्ठी तली हुई प्याज डालिए, ऊपर से थोड़ा सा घी डालिए और फिर बिरयानी एसेंस डालिए ज़रूर, क्योंकि बावर्ची वगैरह रेस्टोरेंट में यही डाला जाता है। अब ढक्कन ढाकिए और 5 से 7 मिनट आप हाई फ्लेम पर पकाइए और 40 मिनट कम से कम आप इसे लो फ्लेम पर पकाइए। तो उसके बाद देखिए बेहतरीन खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल बावर्ची वाली बिरयानी बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल चावल परफेक्ट बने हैं और गोश्त भी अच्छी तरह से गला है। अब और एक ट्रिक बताती हूँ, जो तली हुई प्याज का बचा हुआ तेल था वो हम इसमें डाल देंगे। यानी 1 किलो बिरयानी के लिए हमको कम से कम 300 ml तेल लगेगा। जो हमने पहले डाल दिया था 200 ml, अब 100 ml जो तेल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यानी तली हुई प्याज का 100 ml तेल हमने इसमें ऐड किया, अब बिरयानी हो गई एकदम चिकनी चिकनी मज़ेदार सी, यानी बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी, खुशबूदार सी और गोश्त की यखनी भी बहुत ही शानदार है, बनकर तैयार हो गई है। अब आप रुके क्यों हैं, चलिए खा लें। तो हम इसे अब सर्व कर देंगे गर्मा गर्म बिरयानी मिर्चियों के सालन के साथ या दही के रायते के साथ। मिर्चियों के सालन की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसे देख लें। तो देखिए रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबास बेस्ट क्लासेस।